देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के कस्बाई क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचलों में चल रही बिजली की अघोषित कटौती एरा प्रथा से किसानों के फसल को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही अन्य ज्वलंत समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा तहसील कार्यालय नई गढ़ी के सामने धरना प्रदर्शन कर विभिन्न भागों का ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि रिटायर्ड डीएसपी एवं जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण के उपाध्यक्ष आरबी शर्मा के आयोजकत्व में नई गढ़ी तहसील कार्यालय के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल के नाम 7 सूत्रीय मांगों का तहसीलदार नई गढ़ी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से विधानसभा क्षेत्र में विद्युत प्रदाय की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि धान रोपाई का समय विद्युत व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो किसानों के लिए भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कई गांव के ट्रांसफार्मर लंबे समय से खराब हैं, विद्युत लाइन चंद मिनटों में ठप हो जाती है, विद्युत बिल मनमानी तरीके से वसूल किए जा रहे हैं, समस्याओं का त्वरित निदान आवश्यक है, विद्युत बिल का परीक्षण कराकर दुरुस्त कराया जाए। आवारा पशु एवं एरा प्रथा के चलते कृषकों की फसल का नुकसान हो रहा है, आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए युक्ति संगत समाधान ढूंढा जाए, यदि फसल का नुकसान होता है तो किसानों को नुकसान का भुगतान शासन द्वारा किया जाए, पूर्व की भांति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी के तेल का वितरण पुनः प्रारंभ किया जाए, अधिकांश ग्राम पंचायतों में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी लगाई गई है, अधिकांश ग्रामों में पानी सप्लाई नहीं हो रही है, गांवों में त्राही त्राही मची हुई है, नल जल योजना के तहत बनी टंकियों से जल प्रदाय सुनिश्चित किया जाए, प्रायः प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र एवं विद्यालय में शासन द्वारा पानी की टंकी बनवाई गई है परंतु जल प्रदाय नहीं हो रहा है, भारे भ्रष्टाचार हो है, जल प्रदाय किया जाए एवं जांच करवाई जाए, संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस तरह की कई मांगों को लेकर उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और 15 दिन के अंदर इसका निराकरण करने के संबंध में मांग की है। कांग्रेस पार्टी द्वारा राम बहादुर शर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक विद्यावती पटेल, जिला पंचायत सदस्य पद्मेश गौतम, बी एस शर्मा, ब्रजेंद्र शुक्ला, प्रवीण पांडे, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष सदस्य नृपेंद्र सिंह, पिंटू उमाशंकर त्रिपाठी सहित समस्त कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहां 2 SP का मोटर लगा हुआ है वहां का बिल 5 SP का फिक्स किया गया, जिसके यहां 2 बल्ब चलते हैं उसके यहाँ की मीटर रीडिंग 1200-1500 रुपए आ रहे। आप सभी को पता है कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, मात्र 100 रुपए बिजली का बिल आता था, लेकिन जब से ये कांग्रेस की सरकार गई है तब से वही नंगा नाच इन लोगों का चल रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं करीब करीब हर ग्राम पंचायत में नल जल योजना के तहत टंकी का निर्माण कराया गया है। मेरे ख्याल से 90% टंकियों में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ठेकेदारों द्वारा अधिकारियों से मिलजुल करके पूरा पैसा निकाल लिया गया है और उसका जो है प्रमाण पत्र जारी करवा लिया गया है। भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आप लोग सबको ही देखने वाले हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हो चाहे आपकी स्कूल हो वहां पर भी एक टंकी लगी हुई है, उसमें मोटर भी डला हुआ है, इसके बावजूद पानी की सप्लाई नहीं हो रही। मेरे ख्याल से आप सभी ने देखा है, पहले हम लोगों को मिट्टी का तेल मिल जाता था, जब मिट्टी का तेल मिलता था तो जब बिजली कटौती थी मिट्टी का तेल जला लिया जाता था, बच्चों की पढ़ाई होती थी, लिखाई होती थी। अब जब से भाजपा की सरकार आई है तो मिट्टी का तेल भी मिलना दूभर हो गया, उसकी भी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। पटवारियों के बारे में और राजस्व के विभाग के बारे में आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है, बिल्कुल हकीकत है। आपकी जमीन अभी आपके नाम पर है, इसके बाद जब आधे घंटे बाद आप खसरे का रिकॉर्ड चेक करेंगे वो किसके नाम पर होगी कोई भरोसा नहीं। पहले SDM साहब के यहाँ अपील हुआ करती थी, अभी SDM साहब के यहाँ अपील भी नहीं होती।
कहते हैं कलेक्टर साहब के यहाँ अपील होती है, फिर कलेक्टर साहब के द्वारा माननीय एसडीएम साहब को भेजा जाता है, एसडीएम साहब के बाद तहसीलदार के पास जाता है और तहसीलदार के बाद पटवारी के पास जाता है, पटवारी आपसे सभी के लिए चौथ वसूली की बात करता है। यदि आप देने की स्थिति में होते हैं तब तो जल्दी हो जाता है, यदि आप देने की स्थिति में नहीं होते तो वो मामला लटकता रहता है और उससे ज्यादा आपका किराए में खर्च हो जाता है। बीपीएल सूची की बात आई, बीपीएल सूची में जो पात्र व्यक्ति हैं उनका नाम नहीं जुड़ रहा। इस संबंध में हम अपने यहां के नायब तहसीलदार महोदय से बात किए कि जो पात्र व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों का नाम क्यों नहीं जुड़ता। बोले सर आपसे हमको ये बात नहीं बताना चाहिए लेकिन बतानी पड़ रही है कि हम लाखों रुपए कहां से दे पाएंगे। जो मूल जड़ है वर्तमान में जो अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का तांडव करके रखा है, सिर्फ और सिर्फ यहां के जो वर्तमान में सरकार है, जो यहां के नुमाइंदे हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के संरक्षण में पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है और देव तालाब इसका उदाहरण है। आप लोगों की शंकर भगवान